प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। आज सर धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर, सदन की जो कानून है सर देखिए, सर देखिए, ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? इस वेले की वड्डी खबर तीन खेती कानूनों नाल जुड़ी हुई है। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार ने हुण संसद विच भी तीन खेती कानूनों नूं रद्द कर दिता है। लोक सभा विच तीन खेती कानूनों नूं रद्द करन दा मता खेती मंत्री नरेंद्र तोमर ने पेश किया है, जिसते कि स्पीकर ओम बिरला वालों संसद की सहमति नाल मोहर ला दी गई है। दस दिए कि अज दोपहर 12 बजे संसद की कार्रवाई मुड़ तो शुरू हुई सी। कार्रवाई शुरू होंदया ही विरोधियों वालों खूब हंगामा किया गया। इस दौरान संसद विच खेती कानून वापसी बिल पेश किया गया। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती कानून रिपील बिल पेश किया है और हंगामे दौरान ही लोक सभा च खेती कानून की वापसी का बिल पास भी कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और इंट्रोड्यूस हो रहा है करार विधेयक 2020, अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन, और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधायक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। आइटम नंबर 14, श्री कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ, चर्चा जब होगी जब सदन में व्यवस्था होगी, आश्वासन और कृषि सेवा पर करार, सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। क्या लेकर आया सदन में? संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक जाइए, मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निर्देश और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना? 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए, इस मोर में चर्चा करना चाहते हैं, किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर, इस हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप? हाँ बताइए, आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट सर, सर 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 एक मिनट सर सर, आज सर धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर सदन की जो कानून है। सर देखिए, ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया। सर एक मिनट सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी, 6 बिल, 6 बिल रिपील, सर 6 कानून, सर 6 कानून, 6 कानून, सर 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी। सर सर एक बात सर, छोटी सी निवेदन है सर, हमारे बैठिए। प्रश्न है कि विधेयक, अरे सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, अरे कांग्रेस वाले सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। विधेयक पर विचार करने के तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खंडवा जाए, चर्चा कराएंगे, आप सदन में जाइए अंदर, चर्चा चाहते हो तो सदन ऑर्डर में आने को, चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक पर अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 2 और 3 विधेयक मैं चर्चा कराने को तैयार हूँ, आप माहौल को ठीक कीजिए, मैं मना कर रहा हूँ कि चर्चा करने को। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर, नो गलत तरीका।
प्रश्न है कि विधेयक खंड एक विधेयक सूत्र अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हां गए हैं, जो सदस्य विरोध में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्षवा प्रश्न एक अधिनियम शुद्ध विधेयक का पूरा नाम विधेयक का मन है। मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे विधेयक को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं विधेयक पारित किया जाए। जाओ आप जाइए, मैं चर्चा कराता हूं आपको। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हां गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्षवा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्यवाही दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। हालांकि इस दौरान इन्हां खेती बिलां ते चर्चा लई विरोधी धिरां वल्लों मांग की गई है, पर विरोधी धिरां दी इस मांग नूं नकारदिआं संसद विच खेती कानूनां ते रिपील बिल नूं पास कर दिता गया, जिस तों बाद संसद दी कार्रवाई नूं मंगलवार सवेर तक मुलतवी कर दिता गया। दस दिए कि इस तों पहलां गुरपुरब वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 खेती कानूनां नूं रद्द करन दा ऐलान कीता सी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों तो मुआफी मंगी सी। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है, ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। दस दिए कि अज यानी कि सोमवार को संसद का सर्द रुत सैशन शुरू होया है। यह सैशन 29 नवंबर यानी कि अज तो 23 दिसंबर तक चलेगा। सैशन शुरू होंदया ही विरोधी धिरां वल्लों संसद विच किसानां नूं इंसाफ दबाओ दे नारे लाए गए सी, जिस तों बाद लोक सभा की कार्रवाई नूं 12 बजे तक मुलतवी कर दिता गया सी। उधर हुण लोक सभा विच यह बिल पास होने तो बाद राज सभा विच पेश किया जाएगा, जिथे कि उम्मीद जताई जा रही है कि सहमति नाल इन्हां बिलां नूं रिपील करन दे मते ते मोहर ला दिती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।